बैनीगंज हरदोई विभिन्न मांगों को लेकर सोमवार को भाकियों ने धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान किसान कार्यकर्ताओं की पुलिस और ब्लॉक कर्मियों से नोकझोंक भी हुई है। कोथावा में ब्लॉक मुख्यालय गेट पर सोमवार को भारतीय किसान यूनियन इंडिया ने धरना प्रदर्शन किया। मांगे पूरी न होने पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल के साथ मुख्यमंत्री आवास को कुछ करने की चेतावनी दी है। अवगत करा दें कि वन रेंज कछोना के कोथावा क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित कोयला भट्टिया आरामशीन व प्रतिबंधित हरे भरे पेड़ों को हो रहा कटान। रायपुर सोमवशी में एक घर में ग्राम पंचायत अध्यक्ष व राशन कोटा बीरमती पत्नी शिवपाल की भूमि पर अवैध कब्जा। ग्राम पंचायत मजीगवा स्थित गौशाला में गोवंशों की दुर्दशा। ग्राम पंचायत कल्याणमन में विकास कार्यों का न कराया जाना व 95 वर्षीय किसान रज्जन लाल पुत्र शिव नारायण को किसान सम्मान निधि का लाभ न मिलना। संडीला के गौसवा गोड़वा में दिव्यांग अमित पुत्र मुस्लिम को आवास योजना से वंचित रखना। बेलहैया से बैरागी खेड़ा तक सड़क निर्माण। नगर पंचायत बैनीगंज में मुख्य सड़क मार्गो किनारे किए गए अतिक्रमण को हटाया जाए। अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल के साथ मुख्यमंत्री आवास को पैदल कूच करके जहां किसानों की मां पंचायत होगी मौके पर पहुंचे संडीला नायब तहसीलदार अंकित तिवारी ने किसानों को आश्वस्त करते हुए कहा कि सभी समस्याएं जल्द दूर कराई जाएगी। आश्वासन पर माने किसानों ने नायब तहसीलदार को लिखित ज्ञापन देकर धरना प्रदर्शन समाप्त करने का ऐलान किया। इस दौरान मुख्य रूप से सुशील शुक्ला, शैलेंद्र सिंह, लालजीत मौर्य, सुरेंद्र मौर्य आदि लोग मौजूद रहे। मामला है, क्यों आप लोग बैठे हैं? मैं रेखा दीक्षित, भारतीय किसान यूनियन, महिला जिलाध्यक्ष हरदोई। आज हम लोग यहाँ पर कुछ हमारे सबके प्रमुख मुद्दे हैं जिनको लेकर के कुथावा ब्लॉक के प्रांगण में बैठे हैं, लेकिन कुछ कारणवश बीडीओ साहब ने ताला बंद करके हम लोग को बाहर बैठने पे मजबूर कर दिया है। इस समय भयंकर गर्मी में हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और ये हो रहा जो चारों तरफ हरे भरे पेड़ों को कटान को लेकर के, जिसमें चारों तरफ भट्टियाँ धधक रही हैं और आरा मशीनें चल रही हैं जिसमें हरे पेड़ चीर कर रातों रात चीर दिए जाते हैं। क्या मामला था, क्यों ये किसान चिलचिलाती धूप में यहाँ धरने को मजबूर हुए? देखिए, जो मामला है हमारे संबंधित किसान यूनियन से बात हो चुकी है और जहाँ तक उम्मीद है इन्हें तुरंत इसे खत्म कराने का कोशिश की जाएगी। नहीं सर, इनका कहना है कि कई बार ज्ञापन जिला अधिकारी महोदय को भी दिए गए लेकिन अब तक सुनवाई नहीं, महीनों से ज्ञापन लेकर दौड़ रहा है। सर, सरकार की मनसा के अनुरूप कार्य नहीं हो रहा, क्यों? मनसा के अनुरूप ही कार्य हो रहा है, चुनाव का मैटर था, लेकिन अब हम फील्ड में हैं, प्रॉपर फील्ड में, सभी लोग फील्ड में हैं। अब जो दिक्कतें होंगी किसानों की, काश्तकारों की, सभी दिक्कतों का निराकरण जल्द जल्द किया जाएगा। सर, जन सुनवाई में भी इनके द्वारा ज्ञापन दिए गए, शिकायती पत्र दिए गए, तो क्या ऐसी ही अन्य खबरों के लिए देखते रहिए लाइव टीवी समाचार।